नमस्कार, आज हम बनाएंगे चुलाई के लड्डू, या फिर हम इनको राजगिरी के लड्डू भी कह सकते हैं। और ये शिवरात्रि पर बनाए जाते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल में भी इनको बना सकते हो, ये आसानी से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने आधा किलो चुलाई ली है और उसी मात्रा में मैंने आधा किलो गुड़ लिया है, और ये मैंने 250 ml करीब 1 कप के करीब पानी लिया है। गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें पानी डालेंगे और गुड़ डालकर उसको चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। इसको हमें 10 से 15 मिनट तक चलाते हुए पकाना है। हमें 10 से 15 मिनट हो चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने थोड़ी चाशनी हाथ पर लगा कर देखी है, एक तार की चाशनी बन रही है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। यहाँ पर हम आधी चौलाई निकाल लेंगे, इसे लड्डू बनाने में आसानी रहती है। और इसमें आधी चाशनी डालकर चमचे की हेल्प से हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसको हमने अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा पानी हाथों पर लगाएंगे। ये हमने नॉर्मल पानी लिया है क्योंकि चाशनी गर्म थी, इसे लड्डू बनाने में आसानी रहेगी और लड्डू हाथ पर चिपकेंगे भी नहीं। इसी तरह से हम सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको इसकी मात्रा का अच्छे से ध्यान रखना है। आपने जिस मात्रा में चौलाई ली है उसी मात्रा में आपको गुड़ लेना है और उसकी एक परफेक्ट तार की चाशनी तैयार कर लेनी है। उससे हमारे लड्डू अच्छे बनेंगे। अगर चाशनी अच्छी नहीं बनेगी एक तार की, तो लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे और वे टूटकर बिखर जाएंगे। अब देखिए, हम बाकी चौलाई को भी डाल लेंगे। और ये चाशनी तो हल्की ठंडी हो गई थी, इसको हमने हल्का गर्म कर लिया है और इसको चौलाई में डालकर उसी मेथड से चमचे से मिक्स कर लेंगे। और हल्का हल्का हाथों पे पानी लगाते हुए उसी मेथड से हम इन दोबारा से सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद से, अगर छोटे लड्डू बनाना चाहते हैं तो छोटे बना सकते हो, अगर बड़े बनाना हो चाहते हो तो बड़े बना सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इसी तरह से हम सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने लास्ट में एक छोटा लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है और करीब हमारे सभी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना।